स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस करते हैं दोस्तों, प्राइस चार्ट के ऊपर में, और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सप्ताह में क्या पॉसिबल आउटलुक नजर आ रहा है, व्हाट इज द आउटलुक फॉर द स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक। लेकिन उसके पहले एक बार ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने, कमोडिटी मार्केट ने और करेंसी पेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दर्शाया है जो वीक समाप्त हुआ है 13 अगस्त 2021 को, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी 1.79% की तेजी के साथ वीक टू वीक बेसिस पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी वहीं 1.01% की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 में भी तेजी देखी गई, 0.71% से वो ग्रीन में क्लोज हुआ। नैसडैक दोस्तों मार्जिनली ग्रीन में क्लोज हुआ, और फुटसी यूरो टॉप 100 को देखें दोस्तों तो 1.28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गोल्ड भी दोस्तों रिकवरी आती हुई नजर आई और गोल्ड 0.94% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल मोर लेस फ्लैट नजर आया दोस्तों, और USD INR करेंसी पेयर भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा दोस्तों। तो चलिए स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पे चलें। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध कर लेता हूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एक एक इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों, मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस S&P 500 के प्राइस चार्ट से। और सारे चार्ट्स जो हम देखेंगे दोस्तों वो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है, और पिछले सप्ताह में एक चर्चा की गई थी कि यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ था तो पॉसिबल टारगेट 4495 का निकल के आ रहा है। प्रायर इंपल्सिव वेव को अगर आधार बना के हम टारगेट निकालें तो ओवरऑल व्यू बुलिश है, प्राइस लिटिल ओवर एक्सटेंडेड है, इसीलिए माइनर करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा जब भी करेक्शन होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नैसडैक की तरफ। तो दोस्तों ये नैसडैक 100 इंडेक्स का प्राइस चार्ट है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंडिंग मोड में है और बुलिश है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए प्राइस जब भी करेक्ट होती है, यहां पर EMA 21 के आसपास में करेक्शन होता है। यहां पर देखिए बुलिश फ्लैग के बारे में जो ब्रेकआउट हुआ था इसकी चर्चा हम पिछले वीक में कर चुके हैं। अब यहां पर जो करेक्शन हुआ, क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके हाई के ऊपर में मार्केट ने नहीं तोड़ा, और करेक्शन जो हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें जो पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस ने वहीं पर सपोर्ट लिया जो एक कन्फ्लुएंस है EMA 21 का। तो प्रायर ये वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव के आधार पर हम देखें तो इसका टारगेट जो चर्चा की गई थी पिछले वीक में 15,385 निकल के आ रहा है, तो उसकी यात्रा करने की तैयारी नैसडैक कर रहा है। S&P 500 में प्राइस जैसे ओवर एक्सटेंडेड थी, यहां पर नैसडैक में प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों ये फुटसी यूरो टॉप 100 में देखें, ओवरऑल व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिश रन में ये भी इंडेक्स है दोस्तों, और यहां देखिए कंटिन्यूअसली एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। आपको याद होगा लास्ट वीक के एनालिसिस में हमने इस पैटर्न के बारे में चर्चा की थी, और इसके आधार पे जो टारगेट निकाला था वो टारगेट था 3,420 का, वो तो अचीव हो गया। अब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, अगला टारगेट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो आता है वो 3,472-73 पे आता है, लेकिन उसके पहले एक करेक्शन की संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये इंडेक्स काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है इफ वी कंपेयर विथ S&P 500 एंड नैसडेक 100 दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हम डेली लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं, आपको मालूम है दोस्तों, और 3 PM स्टॉक मार्केट के तहत
जो लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं वो अपडेटेड रहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर की चर्चा की गई थी जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो अगर थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट टर्म्स में देखें तो निफ्टी का टारगेट जो है वो कैलकुलेट होके 17,200 आता है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार दोस्तों। हाउएवर प्राइस एक्शन को अगर हम समझते हैं तो फिलहाल नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद अब क्या है दोस्तों, नेकलाइन अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो देखिए दोस्तों, 16,294 से लेकर 16,350 का बैंड इमीडिएट टर्म्स में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, जो कि नेकलाइन का भी कॉन्फ्लुएंस है। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो रेजिस्टेंस था बिफोर इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, वो अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अपसाइड में बात करें तो 15,525 से लेके 15,600 का जो बैंड है ये इमीडिएट टर्म्स में एक टारगेट होने से, ये प्रायर इम्पल्सिव वेव का और बुलिश फ्लैग का टारगेट होने के कारण इस रेंज में आके कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम का हम डिमिनिशिंग इफेक्ट देखेंगे और पॉसिबल करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर फर्दर प्राइस बहुत ज़्यादा अपसाइड हुई भी दोस्तों, तो ये देखिए मैं इस बुलिश फ्लैग को आधार बना के टारगेट खींचता हूँ, तो इसका टारगेट भी दोस्तों जो निकल के आ रहा है वो 16,610 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि आने वाले सप्ताह में हम एक माइनर करेक्शन की संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट डिमांड बैंड है ये एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। अल्टीमेटली निफ्टी 17,200 की यात्रा करने के लिए तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बैंक निफ्टी पे एक नज़र डालते हैं। अब बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको याद होगा कि हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। अब इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर टारगेट निकालते हैं तो 40,000 की यात्रा करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए नेकलाइन के ऊपर में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। तो अब आने वाले सप्ताह का क्या आउटलुक होगा, क्योंकि 40,000 तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव इन द प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बैंड को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन था, तो 35,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक इंटरवीनिंग सपोर्ट है 35,900 पर, क्योंकि प्राइस का यहाँ पहले रिजेक्शन था। तो हम कह सकते हैं कि 35,700 से 35,900 आने वाले सप्ताह में एक डिमांड जोन के रूप में एक्ट करेगा। अपसाइड में बात करें तो प्राइस का मल्टीपल यहाँ रिजेक्शन था, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 36,500 है, और उसके बाद प्राइस का यहाँ मल्टीपल रिजेक्शन था तो 37,000 पर उसके बाद रेजिस्टेंस है। तो आने वाले सप्ताह में हम मान के सकते हैं कि कहीं ना कहीं करेक्शन की शुरुआत 36,500 से 37,000 के बैंड में होने की संभावना है। बट अल्टीमेटली करेक्शन अपार्ट इन मार्कअप फेज होते रहेंगे। बैंक निफ्टी तैयारी 40,000 की यात्रा कर रहा है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार दोस्तों। यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर में अगर हम देखें दोस्तों, तो प्राइस ने यहां पर 73.75 पर एक अच्छा बेस बना लिया है, तो वो एक सपोर्ट के रूप में हो गया। प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं और लार्ज लोअर शैडो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं प्राइस इस लेवल पे आती है तो यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर में हम बाइंग आते हुए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों देखें, अपसाइड में देखें तो यहाँ पर मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, तो इमीडिएट टर्म्स में 74.45 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा, और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो अगला मेजर रेजिस्टेंस मल्टीपल रिजेक्शन है वो 74.9 पर होगा दोस्तों। अब ब्रेंट क्रूड के चार्ट को जब हम देखते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट, तो ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। अगर इसका कहीं ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों तो काफ़ी बड़ा करेक्शन हम ब्रेंट क्रूड ऑयल में देख सकते हैं, गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल दोस्तों ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको इस जगह पे देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो ये जो बैंड है $67.8 से लेकर 69.5
$5 का जो रेंज है वो एक अभी फिलहाल डिमांड जोन के रूप में एक्ट करना चाहिए। अपसाइड में बात करें दोस्तों तो प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो ऑब्वियस रेजिस्टेंस जो है $73.3 के लेवल पर इसमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अब ये दोस्तों गोल्ड का प्राइस चार्ट है XAU USD का। अब यहाँ पर हम देखें तो लास्ट वीक में गोल्ड ने एक लार्ज लोअर शेडो बनाई और सपोर्ट लिया 1673, और ये वही लेवल है दोस्तों कि जब ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, और फाइनली दोस्तों आप देखिए कि रिकवरी आती हुई नज़र आई और प्राइस फिलहाल ये जो डबल बॉटम है इसके अपेक्स के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो क्या दोस्तों ये एक बहुत मेजर थ्रोबैक था और अब ये करेक्शन की समाप्ति हो गई है, तो ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल इस बैंड को देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन को देखें प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, तो जब तक गोल्ड दोस्तों अब $1815 के ऊपर में ट्रेड नहीं होता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये ट्रेंड का रिवर्सल है या अथवा ये सिंपल पुल बैक है। तो फिलहाल हम ये समझते हैं इमीडिएट टर्म्स में कि गोल्ड का जो डिमांड बैंड है वो है फिलहाल $1730 से लेकर $1755 का जो बैंड है वो डिमांड बैंड है, और रेजिस्टेंस बैंड देखिए मल्टीपल सपोर्ट है तो $1796 इसमें एक रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद $1815 का एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये सप्लाई बैंड हो गया, ये डिमांड बैंड हो गया दोस्तों। अब हम सिल्वर के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं दोस्तों, XAG USD के प्राइस चार्ट को। दोस्तों सिल्वर में भी करीब करीब सिमिलर परफॉर्मेंस नज़र आया जैसा हमने गोल्ड में डिस्कस किया। सिल्वर में भी इस डाउन ट्रेंड मूव के बाद में यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था जिसका अपेक्स ये था। सिर्फ अंतर गोल्ड एंड सिल्वर में ये है कि गोल्ड में प्राइस जो है अपेक्स के ऊपर में रिवर्सल चार्ट पैटर्न की ट्रेड हो रही है जबकि सिल्वर में ट्रेड नहीं हो रही है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया $22.1, इसका अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट रहा है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास में ये अभी ट्रेड हो रहा है विच इज़ $23.78, और इसके बाद में अगला रेजिस्टेंस इसे मिलेगा यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट है तो $24.69 का अगला मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके अलावा ये दोनों ट्रेंड लाइन को देखें जो ड्रॉ की गई है, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा सिल्वर के केस में, और वो रेंज है करीब $24.69 से लेकर $25.5 की। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस का वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।